Hello guys, welcome to Lockdown Tech Study YouTube channel. So today is the topic of ring topology. Last video में चापा देखा सी bus topology की हुंदी थी वो किस तरह work कर दिया. So जिन्हें ने वो video नहीं देखी description box से I button दे बीच link दे दांगे तुझे checkout जरूर कर लेना. So देख दिया जल्दी ना ring topology की हुंदी है. देखो ring दी form दे बीच जो दो PC अपने connected हुंदी है, it means वो अपनी हुंदी है ring topology. जेदी बीच अपने सारी PC जेदी है एक ring दी form दे बीच connected हुए, मतलब कि एक circle दी form दे बीच जो दो PC connected हुंदी है, that is means वो अपनी ring topology हुंदी है. So इधर आप first point लिख सकते हैं the various nodes are connected in the form of a ring. ठीक है, ring दी form दे विच जो अपनी various devices connected होंदी है, it means वो होंदी अपनी ring topology. और ये विच जिहड़ा data आया वो भी तो एक circle दी form दे विच की हो रहा है. देखो इसने data send करना इस PC नू, तो data एक circle दी form दे विच जाएगा. ठीक है, so आप इनू की कह सकते हैं, second point कह सकते हैं the data flows in the form of circle, in the form of a circle. So circle की form दे विच जिहड़ा data है वो अपना transfer होंदा है. देखो जिस तरह अपनी bus topology सी last video विच आपां देख चुके हैं, bus topology दे विच की होंदा सीगा एक line होंदी सी जिहदे विच की terminator दोनों side दे उत्ते use कीता जांदा, मतलब कि दोनों ends दे उत्ते एक terminator लगाया जांदा सी. बट इहदे विच ना तो कोई beginning point होंदा है और ना ही कोई ending point होंदा है. सो आपां इहदा next point लिख सकदे हां, it has no beginning and ending points that needs to be terminated. सो टर्मिनेट करन दे लिए कोई भी एरे में जड़ा बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं हुंदा या. सो एरे में जड़ा डेटा है वो अपना एक ही डायरेक्शन दे विच फ्लो हुंदा या, मतलब कि एस पीसी ने डेटा सेंड करना फिफ्थ पीसी नो, ता वो डेटा पहला जावेगा सेकंड पीसी को. ठीक है, एक टोकन पास हुंदा या इन्हां दे बिटवीन जड़ा या वो एस पीसी नो टोकन जड़ा पास होऊंगा, एस पीसी चेक करेगा एदी कोई भी उदा एड्रेस नहीं है क्योंकि इन्हें जड़ा सेंड करना फिफ्थ पीसी नो सेंड करना है. सो इत्थे जड़ा है वो टोकन चेक कीता जावेगा और फिर सेकंड पीसी जड़ा है वो थर्ड पीसी नो सेंड कर देवेगा क्योंकि ओदी को उदा एड्रेस नहीं हैगा. सो ए पीसी फिर नेक्स्ट इस बड़े नो सेंड कर देवेगा और जड़ा फोर्थ पीसी है वो फिफ्थ नो सेंड कर देवेगा. सो इत्थे जड़ा ओनू उदा डेटा मिल जावेगा, सो इत्थे जड़ा वो डेटा अपना पहुंच जावेगा. सो जड़ा डेटा है वो एक ही डायरेक्शन दे विच सेंड कर सकदे, ऐदा नहीं है कि आपा इधरों डेटा जड़ा इधरली डायरेक्शन दे विच भी सेंड कर सकदे. जदों भी आपा कोई रिंग यूज करदे हो उदों डेटा जड़ा एक ही डायरेक्शन दे विच सेंड होना है इस तरह ज्यादा, फिर इस तरह मतलब एक ही डायरेक्शन उदे विच यूज कीती जांदी है. सो आपा इहदा नेक्स्ट पॉइंट लिख सकदे हां, द डेटा flows in one direction. So हम देखते हैं कि इधर विच किया, इधर विच point to point line configuration use हो रही है. जैसा कि अपन topology इधर विच में दस या कि दो line configuration इधर विच use की थी जाने, एक तो हम दिया peer to peer थी, दूसरी हम दी primary थी secondary. So ये जैसी topology है कि इधर based हम दिया, ये based हम दिया point to point, क्योंकि इधर विच point to point जिधर आया मतलब कि node to node जिधर आया वो checkout कीता जाता है, मतलब कि इन्हें इन्हों चेक पे जाना, इन्हें चेक करना, फिर उसके बाद इन्हें को जाना, फिर इन्हें चेक करना, फिर इन्हें सेंड एक थे मतलब चेक करना, उसके बाद इन्हें फिर गांव अगे सेंड करना, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट जड़ा है लाइन कॉन्फ़िगरेशन होंगी है. सो आप ये कह सकते हैं कि इरेडी टोपोलॉजी या दिस टोपोलॉजी इज डेडिकेटेड टू द केड़ी केड़ी पीयर टू पीयर और तुम कह सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन के उत्ते बेस होंगी है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ये होंगी अपनी रिंग टोपोलॉजी. तो रिंग टोपोलॉजी दी अपने को दो टाइप्स होंगे ने,
फर्स्ट होती है अपने को सिंगल रिंग और सेकंड होती है अपने को ड्यूल रिंग। सो अपन इन्हें बारे देख लेते हैं सिंगल रिंग ते ड्यूल रिंग की होती है। देखो सिंगल रिंग अपनी जड़ी है रिंग टोपोलॉजी के वांग सेम होंगी है, ये एक सिंगल जड़ी रिंग है यूज की जाती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कि इतनी हरेक डिवाइस में वेट करना पैंता है जिन्हें तक दूसरी डिवाइस का जो डेटा है वो सेंड नहीं हो जाता, मतलब कि जिन्हें तक इसका डेटा जो है फिफ्थ डिवाइस में सेंड नहीं हो जाता उन्हें तक बाकी डिवाइस जड़िया वो वेट कर दी है, उस तो बाद ही वो अपना डेटा जो है ट्रांसमिट कर सकती हैं। मतलब ये एक सिंगल जी कम्युनिकेशन लाइन सिंगल रिंग जी यूज की जाती है मतलब कि ओही अपने वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हो सकती हैं उन्हें डेटा ट्रांसफर करने के लिए इतने दो रिंग्स यूज की जाती है जो डेटा है वो ट्रांसफर बोथ साइड्स हो सकता है, मतलब कि बोथ डायरेक्शन हो सकता। मान लो कि आ जिहड़ा डेटा है ए वाली रिंग जिहड़ी है इस डायरेक्शन दे विच डेटा सेंड कर रही है, ठीक है, ते जिहड़ी ए वाली रिंग यूज कीती गई है वो इस डायरेक्शन दे विच डेटा सेंड कर रही है। इट मीनस ये उत्ते आप ज्यादा नैटवर्क इस नैटवर्क के उ ज्यादा डेटा जरा एक टाइम के उत्ते सेंड कर सकते हैं। इट मीनस ये दो अपने को रिंग्स लग गई हैं तो बोथ डायरेक्शन के भी डेटा आप सेंड कर सकते हैं। सो ये अपनी सिंगल रिंग ड्यूल रिंग। हम आप रिंग टोपोलॉजी दी कुछ एडवांटेज से डिसएडवांटेजेस देख लें। सो रिंग टोपोलॉजी की फर्स्ट एडवांटेज हो सकती है कि जो आप कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं इन्हें वन डायरेक्शन ये एक सिंगल रिंग यूज की जाती है, मतलब कि इस रिंग इंस्टॉल करना ईजी हो जाता है। सो यह फर्स्ट हो गया पॉइंट ईजीली इंस्टॉल कि आप ईजीली इंस्टॉल और रीकनफिगर भी आप ईजीली कर लें। सो सैकेंड पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये कोई भी मास्टर कंप्यूटर नहीं यूज किया जाता जो कि उस इन सारे डिवाइसिज हैंडल कर रहा हूँ, इदा का कोई भी कंप्यूटर नहीं है आपस में जो इंडिविजुअल कनैक्टेड आ इन्हें कोई भी मास्टर कंप्यूटर नहीं यूज किया गया जो कि इन सारियां जो मैनेज और कंट्रोल कर सके। सो यह सैकेंड पॉइंट लिख सकते हैं देयर इज नो यूज मास्टर कंप्यूटर मास्टर पीसी लगेगी शॉर्ट विच। और थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इनू इंस्टॉल करना ईजी हो गया, इट मीनस ये जो कोलिजन अकर हो गए बहुत घट। सो देर इज नो कोलिजन, सो ये कोलिजन जो घट अकर होंगे। सो फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये आप अगर किसी भी पीसी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप ईजीली फाइंड कर सकते हैं, ईजीली फाइंड द लोकेशन ऑफ फेलियर डिवाइस, क्योंकि जो भी कोई भी पीसी के कोई प्रॉब्लम आती है तो एक अलार्म जो बचता है जिंद कि पता लग जाता है कि किस पीसी के प्रॉब्लम आई हुई है। सो यह हो गई कुछ यदिया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेंगे। सो डिसएडवांटेजेस के फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये एक सिंगल रिंग, मतलब कि ये बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं कि जी एक रिंग जी यूज की जाती है, मतलब कि रिंग की फॉर्म के जो आप डेटा सेंड करा तो ओबियसली केबल ज्यादा लगेगी रैदर दैन द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के एक लाइन के लगती है तो इट मीनस वो केबल थोड़ी लगेगी, मगर जो अपने को रिंग टोपोलॉजी एक रिंग की फॉर्म के आप केबल लगानी है इट मीनस जी केबल आ वो ज्यादा यूज होगी। तो आप कह सकते कॉस्ट ऑफ केबल इज हाई। सो सैकेंड पॉइंट आप कह सकते हैं कि जो ये कोई भी एक डिवाइस फेल होंगी तो वो अपना पूरा का पूरा नैटवर्क के उत्ते वो इफेक्ट पाती है। सो वन डिवाइस कैन फेल द इंटायर नैटवर्क इफेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया अपनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो ये अपनी आज रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।